हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क लीवरेज। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी द लीवरेज विल बी गिवन टू यू ऑलरेडी इन द क्वेश्चन एंड वी नीड टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम दैट। तो हम एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी जिसमें आपको लीवरेज ही दिए रहेंगे और उसके बेसिस पे आपको इनकम स्टेटमेंट को पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपका फॉर्मूला, थोड़ा सा आपका फॉर्मेट जो हमने पढ़ा था वो क्लियर होना चाहिए ताकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप इजी तरीके से बना पाए। देखते हैं अभी ये क्वेश्चन क्या कहता है और उस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पर्टिकुलर्स ए और बी का इन्फॉर्मेशन दिया है। तो फर्स्ट आपके लिए इन्फॉर्मेशन देखते हैं। देखो फाइनेंशियल लीवरेज आपको दिया हुआ है यहाँ पे 4:1 एंड 5:1। इंटरेस्ट इज ऑल्सो गिवन 6 लाख एंड 7 लाख। ऑपरेटिंग लीवरेज भी दिया है। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स का परसेंटेज दिया हुआ है। इनकम टैक्स इज ऑल्सो गिवन है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज गिवन टू यू एंड वी नीड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड कैलकुलेट द ईपीएस। तो आप कहेंगे सर व्हाट इज दिस इनकम स्टेटमेंट और ईपीएस लीवरेज में? तो हम लीवरेज को कैलकुलेट करते हैं। हमने सीखा है ऑपरेटिंग लीवरेज को कैलकुलेट करना, फाइनेंशियल लीवरेज को कैलकुलेट करना और कंबाइंड लीवरेज को कैलकुलेट करना। ये तीन लीवरेज को हम कैलकुलेट करते हैं। बट यूजुअली ये तीन लीवरेज कैलकुलेट करने वाले जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं दैट क्वेश्चंस आर इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर थोड़ा सा इसमें ट्रिकी पार्ट पूछे तो आपको क्वेश्चन में ही लीवरेज दिया जाएगा और वो लीवरेज से आपको क्या करना है, वो लीवरेज से आपको फॉर्मेट को फिलअप करना है। तो देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको पैनिक नहीं होना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग देखेंगे कि क्या करना है। देखो ये आपका फॉर्मेट है, लेट अस क्विकली रिवाइज द फॉर्मेट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यू विल गेट द आंसर एज कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट यू विल गेट द आंसर एज ईबीआईटी। EBIT माइनस इंटरेस्ट यू विल गेट द आंसर एज PBT। PBT माइनस टैक्स तो आपको मिलेगा PAT और PAT में से अगर हम प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, मिलेगा हमें आंसर अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कॉलम बना लेता हूँ। यहाँ पे A का कॉलम बनाता हूँ, ये रिवाइज मैंने लास्ट टाइम वाला जो हमने सॉल्व किया था उसी के बेसिस पे है। यहाँ पे हम B का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है आपको क्वेश्चन में देखना है क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखो तो सिर्फ एक चीज़ अवेलेबल है, 6 लाख और 7 लाख, बाकी सारे परसेंटेज दिए हुए। टैक्स 30-40% दिया है वो हम बाद में देखते हैं। तो 6 लाख और 7 लाख आपका इंटरेस्ट अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट लिख दिया 6 लाख ए का अवेलेबल है और यहाँ पे आपको दिया है 7 लाख बी का अवेलेबल। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, वो तो हमें ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा, वी विल यूज़ दैट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या करना है, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज राइट डाउन द फॉर्मेट, देन वॉट एवर इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन जस्ट कॉपी द इन्फॉर्मेशन एज पर द पॉइंट्स एंड देन वी विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग। अभी हमको अगर पूरे फॉर्मेट में देखें तो वी हैव जस्ट इंटरेस्ट और ये जो इंटरेस्ट दिया है ये इंटरेस्ट से ही मैं पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट बना के आपको दिखाता हूँ। देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अभी पूरा का पूरा कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से समझो पहले ताकि आपको आगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले अभी हम फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे। फाइनेंशियल लीवरेज का एक फॉर्मूला बताता हूँ जो आपको इस केस में यूज करना है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। तो आप कहेंगे सर ये कौन सा नया फॉर्मूला लाया अभी, क्योंकि लिए फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी दैट इज रिलेटेड विद ऑपरेटिंग लीवरेज, बराबर। फिर ईबीआईटी डिवाइड बाई पीबीटी पढ़ा था, राइट, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई पीबीटी। तो ध्यान से देखो, अभी आप बोलेंगे सर ईबीआईटी डिवाइड बाई पीबीटी, अगर हम पीबीटी देखें तो पीबीटी कैसे मिलता है, पीबीटी कैसे मिलता है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ही पीबीटी मिलता है। तो वही पार्ट मैंने प्रेजेंट किया है, फॉर्मूला वही है, सिर्फ थोड़ा सा अलग है। ठीक है, थोड़ा सा अलग मतलब ईबीआईटी डिवाइडेड बाई पीबीटी लिखना चाहिए। तो ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट क्यों लिखा, क्योंकि लिए इंटरेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अभी ऑपरेटिंग लीवरेज देखो आपको क्वेश्चन में दिया है, एक बार दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज 4:1, यहाँ पे 5:1, तो हम अभी इसको सब्सटीट्यूट करेंगे और यहाँ से जो है वो आंसर हमारा ढूंढ लेंगे। ठीक है, चलो पहले वाले के लिए सबसे पहले करता हूँ ए के लिए क्या दिया है, 4:1। फोर इक्वल टू EBIT मेरे पास नहीं है तो वी विल बी राइटिंग EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज गिवन इन द फर्स्ट एज 6 लाख, बहुत ही सिंपल है। तो ये 4 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 EBIT
माइनस 6 लाख इंटू 4 विल बी 24 लाख इक्वल टू EBIT, ठीक है। सिर्फ ये सॉल्व करना है, बाकी कुछ भी नहीं है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। ये EBIT है, इसमें से माइनस हो गया तो आपका बनेगा 3 EBIT इक्वल टू 24 लाख, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से, फिर कैसे बनेगा आपका EBIT इक्वल टू 24 लाख को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 8 लाख मिल। EBIT आ चुका है, आधा काम हो चुका। ए का मैंने ढूंढ लिया, अभी बी का भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। बी का फाई दिया है, फाई इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इसका इंटरेस्ट कितना दिया है, 7 लाख। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होता है, लेकिन एक बार आपको ये समझ में आना चाहिए। तो फाई EBIT इक्वल टू 5 EBIT माइनस 7 × 5 = 35 लाख, तो 35 लाख इक्वल टू EBIT क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 4 EBIT इक्वल टू 35 लाख। फिर EBIT कितना मिलेगा आपका, फर्स्ट का मिल गया, अभी सेकंड का 35 लाख डिवाइडेड बाय 4 करोगे, दैट विल बी 8,75,000। ये दोनों चीजें एक बार मिल गई तो इसको अभी फॉर्मेट में जल्दी जल्दी सेंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए EBIT आई हैव गॉट ओवर हियर, EBIT कितना मिला यहाँ पे, फर्स्ट के लिए हमें EBIT आ चुका है, दैट वाज 8 लाख। सेकंड के लिए हमें EBIT आ चुका है, दैट इज 8,75,000। अब इसको प्रेजेंट कर लेंगे, 8 लाख माइनस 6 लाख, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ चुका है यहाँ पे 2 लाख। 8,75,000 माइनस 7 लाख करेंगे, यहाँ पे आ चुका है हम 1,75,000। टैक्स के परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दे दिए हैं, 30% एंड 40% इज द रेट ऑफ टैक्स। तो फर्स्ट वाले पे कितना परसेंट है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30% है एंड 40%, 34 फर्स्ट एंड 44 सेकेंड। 2 लाख का 30% तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6,000, और 1,75,000 का 40% यहाँ पे आपको आ जाएगा 70, दैट विल बी माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1,40,000। देखो एक चीज़ से कैसे सारी चीज़ें मिल रही, यहाँ पे आपको मिलेगा 1,05,000। इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट नाउ, प्रेफरेंस डिविडेंड नॉट अवेलेबल इन द क्वेश्चन, तो द लास्ट आंसर विल बी 1,40,000 अगेन, दैट इज अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर एंड दिस इज ऑल्सो 1,05,000 सिमिलर, ठीक है। अभी ऊपर का पार्ट बाकी है सॉल्व करना, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। देखो ऑपरेटिंग लीवरेज भी हमको क्वेश्चन में दिया है, ऑपरेटिंग लीवरेज देखो कितना है, 3:1 और 4:1। अभी मैं ऑपरेटिंग लीवरेज से कैलकुलेशन करता हूँ ध्यान से, तो अभी हम ऑपरेटिंग लीवरेज से सॉल्व करें। क्या है ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। क्या है फॉर्मूला, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। EBIT तो मिला ना 8 लाख हमको, तो हो गया हमारा काम। ए का कितना मिला है, ए का क्या दिया, ऑपरेटिंग लीवरेज 3 दिया है, इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन 8 लाख। EBIT वी हैव कैलकुलेटेड जस्ट नाउ, यहाँ पे आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा 8 3 का कितना हो जाएगा 24 लाख। 24 लाख आपको मिल गया ए के लिए। सिमिलरली मैं यहाँ पे बी का भी सॉल्व कर देता हूँ, बी का कैसे होगा देखो, बी का कितना है 4 है दिया हुआ, डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन द EBIT फॉर द बी इज 8,75,000 विच वी जस्ट नाउ कैलकुलेटेड। तो कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर बी विल बी 8,75,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, इफ यू डू यू विल गेट द आंसर एज 35 लाख। तो वी हैव गॉट द आंसर एज कॉन्ट्रीब्यूशन 24 लाख एंड 35 लाख। लेट अस प्रेजेंट इन द फॉर्मैट, देन वी विल सी। तो कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द कंपनी ए we just now calculated and it was 24 lakhs, तो हमने यहाँ पर 24 lakhs लिख दिया। और आपका जो सेकेंड का है that is ई 35 lakhs, तो मैंने यहाँ पर 35 lakhs भी लिख दिया। अब अभी फिक्स कॉस्ट ढूंढना है, देखो इसका और इसका डिफरेंस ले लो, इसका और इसका डिफरेंस ले लो, आपको फिक्स कॉस्ट भी मिल जाएगा 24 lakhs और 8 lakhs का डिफरेंस। यहाँ पर आपका फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 16 lakhs, 35 lakhs एंड 8,75,000 का डिफरेंस, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 26 लाख
25,000, ठीक है। तो डिफरेंस भी आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन था। देखो एक चीज हमें क्वेश्चन में दी थी एंड वी हैड ओनली इंटरेस्ट गिवन इन द क्वेश्चन, फ्रॉम दैट इंटरेस्ट आई हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग। नाउ सिर्फ दो चीजें बची है, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट पेंडिंग है। बहुत ही सिंपल है, तो कैसे इसको सॉल्व करना है, काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन है। पहले हम फॉर्मेट में क्वेश्चन में देख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स का रेशियो क्या है, 60.66, और यहाँ पे कितना दिया है, 50%, ठीक है। देखो अभी इसको कैसे हमें प्रेजेंट करना है, ध्यान से समझ। देखो क्या दिया है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें क्या मिलता है, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स का रेशो दिया है 66.66। अगर ये सेल्स 100 है, वेरिएबल कॉस्ट 66.66 है, ये बनेगा आपका 33.33, ठीक है। तो अभी इसको इक्वेशन में फ्रेम कर रहा हूँ फर्स्ट वाले के लिए। 33.33 के लिए आपका कंट्रीब्यूशन कितना ढूंढा हमने, इस 24 लाख। तो 100 के लिए हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको 100 की वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी सेल। तो कॉस्ट के लिए आपका सेल बन जाएगा 72 लाख, ठीक है। ए के लिए, बी के लिए 50% दिया है, बी के लिए 100, वेरिएबल कॉस्ट 50, तो कंट्रीब्यूशन 50। तो बहुत ही सिंपल है, 50 के लिए आपका कंट्रीब्यूशन कितना था, हमने ढूंढा था 35 लाख। तो 100 के लिए हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं, 35 लाख का डबल कर लोगे तो आपको डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पे 70 लाख्स। 70 लाख्स विल बी द सेल्स। ये क्या ढूंढा हमने, दिस इज द सेल्स। तो 72 लाख्स एंड 70 लाख्स, ये आपका सेल्स है। चलो इसको प्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे। द सेल्स विल बी फॉर ए इट इज 72 लाख्स एंड फॉर बी इट इज 70 लाख्स, दैट्स इट। 72 लाख्स और 24 लाख्स का डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, that will be 48 lakhs is the variable cost for the company A. 70 lakhs or 35 lakhs ka difference calculate kar lo, adha 50, 35 lakhs hi aapko mil jayega, that will be your variable cost. So we have calculated the overall format and I hope ki this question is clear to all of you. Very very simple type of question we have solved over here, so kafi important hai iska calculation. Thank you very much from this session, next time milenge, bye bye all of you, take care.